अभी तक का अपडेट आपको बता दे, बिल्कुल सटीक अपडेट लगातार यहां पर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए 144 बीजेपी, और क्योंकि कुल 230 है, 83 पर कांग्रेस। और आपको बता दें कि 2018 के अगर देखे जाए यहां पर आकर, तो बीजेपी ने उससे ज्यादा ही बढ़त बना ली है। ये देखिए अब फिर से 143 और 84 यहां पर, और कांग्रेस चूंकि 2018 में 114 पे थी, लेकिन सिमट के कहीं रह गई है मध्य प्रदेश में। बेशक दो साल जो सरकार है कमलनाथ ने चलाई हो, 2018 से 20 में उसकी सरकार गिर गई, उसका शिवराज सिंह चौहान आ गए, लेकिन यहां पर अब जो है बीजेपी को बहुत पसंद किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन यहां पर एक चीज और थी, क्योंकि केंद्र से मंत्री उतार दिए गए थे मध्य प्रदेश में, उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान अभी हवाओं में जो बातें हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान यहां पर हो सकता है सीएम कैंडिडेट ना हो। लेकिन क्या पता यहां पर जनता ने उसी का मन बनाते हुए यहां पर जो है वोट ज्यादा दिया हो। ये अपने अपने तरीके के कयास है जो कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि शिवराज को पसंद नहीं किया। अगर शिवराज सिंह चौहान जीतती है तो यहां पर जो है शिवराज का फेस नहीं जीतेगा, ये कांग्रेस के कयास है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपके सामने है, 90 यहां पर चूंकि सीटें हैं और कांग्रेस लगातार यहां पर बढ़त बना रही है। राजस्थान की तस्वीर, राजस्थान में तो आप सभी जानते हैं कि लगातार इस तरह का रिवाज चलता ही आता है कि 5-5 साल की सरकार रहेगी, तो रिवाज बहुत लंबे समय से गहलोत चाहते थे कि बदल जाए, लेकिन चूंकि ये रिवाज जो है ये बदला नहीं है। आपको बता दें गहलोत ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि जो रिवाज है जब केरल में 70 साल पुराना बदल सकता है तो क्यों राजस्थान में नहीं बदल सकता, तो यहां पर अपनी जीत का दावा वो कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर अपडेट आपको दिखा रहे हैं, यहां पर अपडेट आप ये जो कहीं ना कहीं यहाँ पर साख सबके दाव पर लगे, जैसे गहलोत है या फिर सचिन पायलट है, थोड़े समय के लिए सचिन पायलट पीछे हो गए, लेकिन अब जो अपडेट है सचिन पायलट आगे, 120 बीजेपी, 70 यहाँ पर कांग्रेस। राजस्थान के अगर आपको 2018 के आंकड़े बता दे तो कांग्रेस 100 पर थी, बीजेपी 73 पर थी, लेकिन अब बीजेपी ठीक है बड़ी लंबी उछाल उन्होंने मारी है 120। छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए कुछ तस्वीरें आपको ऐसी देखने को मिलेगी, तेलंगाना में ये देखिए, तेलंगाना में 119 सीटें और वहां लगातार जो है बढ़त जो है कांग्रेस बना रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में तो इस तरह की योजना, इस तरह की गारंटीज जो है सरकार ने दी थी, राजस्थान में कांग्रेस की ओर से चिरंजीवी योजना, 400 का सिलेंडर, गृह लक्ष्मी योजना, फीमेल का क्राइम हम कम कर देंगे, तमाम दावे जो तमाम गारंटीज की झड़ी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लगा दी, लेकिन ये तमाम जो झड़ी है जो कांग्रेस ने लगाई वो काम नहीं आई लगता है। यहाँ पर सरकार ने जो फेस था वो चुना है, और यहाँ पर जो फेस अब देखा जाए तो फेस यहाँ पर अब राजस्थान में, चूंकि पीएम मोदी खुद से उतरे थे और उन्होंने अपनी गारंटी यहां पर दी थी, और वो फेस यहां पर देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी अभी तक कैंडिडेट्स का फेस जो है वो क्लियर नहीं है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने बहुत सारी गारंटीज यहां पर राजस्थान में दी थी, और उन्हीं गारंटीज का लगता है कहीं ना कहीं जो लाभ है वो जनता से यहां पर सरकार को देखने को मिला है। पीएम की यहां पर, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती, अगर हम देखें तो कांग्रेस ने कहा था कि जैसे ही सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना हम करवा देंगे, लेकिन वही पीएम ने कट्टू जब राजस्थान में आए तो उन्होंने कह दिया था कि गरीब की जाति ही सबसे बड़ी जाति है, तो यहां पर कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। और ये सिर्फ राजस्थान का वादा नहीं था, ये पूरा वादा पूरे देश के लिए था। अगर बात करें वहां पर अगर कैंडिडेट्स की, तो जहां पर गहलोत भी ओबीसी कैंडिडेट है तो पीएम मोदी भी है, तो दोनों वहां पर उतरे और दोनों एक बड़ा चेहरा है वहां पर, लेकिन जो गारंटी प्रधानमंत्री ने राजस्थान में दी वही गारंटी यहां पर अब जो है राजस्थान में सरकार बनाने के लिए लोगों को पसंद आ गई है। मुफ्त राशन हो गया, घर देने का वादा है, उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए का सिलेंडर है, ये तमाम वादे जो बीजेपी की ओर से किए गए थे राजस्थान में, ये लगता है बहुत लुभा गए हैं जनता को। तेलंगाना की तस्वीर देख लीजिए, तेलंगाना में लंबे समय से बीआरएस वहां पर काबिज थे, केसीआर वहां पर लंबे समय से सरकार चला रहे थे, उनको हटाना नामुमकिन सा ही लगता था, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने अपना बिल्कुल यहां पर जोर लगाया, और देखने को भी मिल रहा है कि कांग्रेस यहां पर जो जोर लगा रही थी वो उसको फायदा। और अब बड़े अपडेट बड़ी ब्रेकिंग के साथ आपके पास, ये देखिए राजस्थान में राज्यवर्धन राठौड़ अब पीछे हो चुके हैं, बड़ा नाम है राज्यवर्धन राठौड़, उनका पीछे अब हो चुके हैं। टोंक में सचिन पायलट लंबे समय से पीछे चल रहे थे, अब आगे यहां पर झोटवाड़ा में राज्यवर्धन राठौड़ की बात करें, पीछे वसुंधरा राजे अब आगे हो चुकी है,
यहाँ पर बड़े बड़े चेहरों की जो अब साख है, दावपर और राज्यवर्धन राठौड़ बड़ा चेहरा है, पीछे हो चुके हैं राउंड में, यानी कि दूसरे राउंड में भूपेश बघेल की भी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली। टोंक में सचिन पायलट चूंकि आगे हो चुके हैं, यहाँ राज्यवर्धन राठौड़ की अगर बात करें, वसुंधरा राजे देखिए तो वसुंधरा राजे अब आगे हो चुके हैं, बड़ा चेहरा है बीजेपी की ओर से। पिछली बारी यहाँ पर वो मुख्यमंत्री भी रही, राज्यवर्धन राठौड़ पीछे और दूसरे राउंड में भूपेश बघेल फिर से अब पीछे हो चुके हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, भूपेश बघेल पीछे, मुख्यमंत्री फेस मुख्यमंत्री ही है और उसके बाद उनका अपने जहाँ के विधानसभा से पीछे होना, ये बड़ा कहीं ना कहीं दाव उन्होंने खेल दिया और यहाँ पर उनकी जो साख है वो दाव पे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, दूसरे राउंड में भूपेश बघेल पीछे हो चुके हैं, टोंक में सचिन पायलट आगे हो चुके हैं। लंबे समय से जब गणना चल रही थी, जो रुझान हमें देखने को मिल रहे थे, तो वहां पर सचिन पायलट पीछे थे, लेकिन अब जिस तरह से बढ़त बनाते हुए एक लंबा आंकड़ा यहां पर उन्होंने जो लंबा गैप है वो फिल कर लिया है, राजस्थान में राज्यवर्धन राठौड़ अब फिर से पीछे। छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। पिछले साल की अगर देखें तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए 2018 से 2023 की तस्वीर अगर हम जोड़ लें तो यहाँ पर बीजेपी को राजस्थान में ज्यादा बढ़त मिल रही है। बीजेपी को लोगों ने बेशक बहुत पसंद किया, पिछली बारी बीजेपी के अगर मध्य प्रदेश में देखी जाए तो 109 थी और इस बारी उन्होंने 140 के यहाँ पर पार कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई देती है। राजस्थान की अगर बात कर ले तो राजस्थान में 73 पिछली बार थी और राजस्थान में बड़ी बढ़त यहाँ पर लेकर आई है राजस्थान में, और यहाँ बीजेपी के क्योंकि इतनी बढ़त लेके आई है, रुझान बेशक शुरुआती रुझान है लेकिन तस्वीर कुछ ना कुछ अब इस समय तक क्लियर हो ही जाती है, और उसी धुंधली तस्वीर को थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी से देखते हुए उनके जितने भी कैंडिडेट्स चूंकि यहाँ पर उतरे हुए थे और अब उनके जितने सपोर्टर है सड़क पर उतर कर जश्न का माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी ने ढोल नगाड़ों के साथ काम करना शुरू कर दिया, मिठाइयां बटने के लिए बन ही चुकी है। वसुंधरा राजे आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है, मध्य प्रदेश की भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 116 का कहीं ना कहीं दाव चाहिए और 116 में भी देखा जाए तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर राजस्थान